ठीक है। एक्चुअली हमें आदेश मिले थे 24 तारीख तक मौसम खराब रहेगा, उसके बावजूद हमें रहना पड़ता है अलर्ट, क्योंकि कमांड साहब के हुक्म से हमें आदेश मिले थे कि 24 तारीख तक ज़्यादा ही अलर्ट रहें, क्योंकि ये विंड स्टॉर्म का खतरा रहता है लैक्स में, इसीलिए हम रेडी रहे थे। लेकिन जब ये ऐसा सिचुएशन पैदा हुई, हम देख रहे थे, मतलब जो इस साइड का आधा ये जो झील दिख रहा है क्लियर था, तो हमने आगे मैसेज की कि क्लियर है, लेकिन कुछ ही 10-20 मिनट के बाद हमें फ़ोन आया, हम बोट में रेडी थे कि जूँ ही हेल स्टॉर्म शुरू हुई तो फ़ोन हमें आया कि दो माइनर बॉयज क्रॉस कर रहे थे घर जाने के लिए, तो वो बीच में ही फंस गए, शायद वो डूब गए हैं। तो जो है हमने ये फ़ोन सुना तो हमने तुरंत बोट निकाल के वहाँ निकल पड़े, तो जैसे ही हमने देखे वो एक तो अनकॉन्शियस था जब वहाँ पहुँचे, तो उसको हम फौरी तौर CPR थोड़ा सा उसको जगाया कि कोई बात नहीं, हम पहुँचे मौके पे, तो आप डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उनको हमने रेस्क्यू करके उनके घर वालों को हवाले किया। हमने सोचा, फिर पहले उनको पूछा कि आप सही ठीक हो, उसने बोला हाँ कॉन्शियस है। हमने सोचा अगर ज़्यादा होगा तो फिर उनको हॉस्पिटल रेफर करेंगे, तो तब उनको हमने घर वालों के हवाले किया। बस यही कि जैसे ही हवा या कुछ मतलब दिख रहा हो हवा आने वाली है, उस टाइम विंड स्टॉर्म आने वाले हैं, उस टाइम एहतियात करें थोड़ा सा, क्योंकि जैसे अगर कुछ हो जाएगा, हमारे पास बोट दो हैं, कितना हम रेस्क्यू कर सकते हैं उस टाइम। अगर शिकारी 4-5 बाहर गए ज़्यादा होंगे, उस टाइम हमें बहुत दिक्कत पड़ेगी, खुदा न खास्ता अगर कुछ नुकसान हुआ फिर ठीक नहीं रहता वो, इसीलिए हम इनको मतलब हर बार यही कहते हैं कि एहतियात से चलें, जब हवाएं शुरू हो तो आप मेहरबानी करके शिकारा या बोट ना निकालें, उससे हमें दिक्कत पड़ती है, हम इसी के लिए डिपेंड, मगर जब ज़्यादा हो जाएगा फिर क्या कर सकते हैं। जो बोट आ रहा था ये कहीं बाजार गए थे, अब क्रॉस कर रहे थे घर जाने के लिए, यही बता रहे थे वो, लेकिन फ्रॉम सफापोरा टू कौन बोल, लेकिन रास्ते में जब हेल स्टॉर्म शुरू हुई तो उन्होंने रास्ता ही नहीं देखा कहाँ जाना है, तो ये डर गए थे। तो खुशकिस्मती से वहाँ बीच में मैजिक फ्लोट्स है जहाँ पे मतलब सेल्फ हेल्प उठाते हैं जेटी, उस पर वो पहुँच चुके थे, लेकिन शिकारा उनका वहाँ नहीं मिला। तो तभी हमें फ़ोन आया, वो मतलब मोहल्ले वालों की तरफ से, यहाँ से दो बच्चे निकले तो हेल स्टॉर्म से पता नहीं वो कहाँ गए। हमने तुरंत बोट निकाल के उन्हों देखा, मतलब वो वहाँ पे था, एक था अनकॉन्शियस और दूसरा रो रहा था, तभी हम तुरंत वहाँ पहुँच के उसको फर्स्ट एड दे के मतलब और घर रवाना किया। थैंक यू, शुक्रिया अदा करते हैं SDRF के जो हर टाइम अलर्ट होते हैं। तो इस टाइम जो हवाई चल रही थी, तो एक दो बंदे वहाँ जो लोकल शिकारे में आए थे, वो वहाँ पे मैजिक फ्लोट पे थे, वो क्रॉस कर रहे थे, उनको बाज़ार जाना था, तो दो लड़के, वो चार लड़के थे शिकारे में, उनको पर्सनल शिकारा था, दो लड़के उन्होंने दो लड़कों को उधर ही छोड़ दिया और दो चले गए। तो फिर वो दो यहाँ पे SDRF की टीम वो गई वहाँ पे, उनको रेस्क्यू किया, और एक को जो बंदा था उसको थोड़ा वो उसको अनकॉन्शियस था, तो फिर वो ठीक हो गया। और इनको गुजारिश करते हैं जब भी यहाँ पे ऐसा कुछ हो तो ये यहाँ पे बोट या वहाँ से ना निकले, क्योंकि हवा में ज़्यादा खतरा होता है। इनके लिए रिक्वेस्ट है, जब भी ऐसा कोई जब हवाई हो या बारिश का ऐसा टाइम हो, इनमें शिकारा में ना निकले, क्योंकि ये रिस्क है, ऐसी ज़िंदगी को ऐसे इस तरह डालना ये सही नहीं।